सलाम यार। क्या बात है, आजकल खुदे लेने आते हैं, घर पे नहीं मंगाते? दुर्गा को अकेले ही चापेंगे क्या? सुल्तान से मिलना है। ले जाओ। सुल्तान सुल्ताना डाकू की बहन का बेटा है, जिसको एहसान कुरैसी ने अपने घर पे पाला है। 12 साल की उम्र में पूरा भैंसा अकेले काटता था और आज भी दिन का 60 भैंसा खुद दे काटता है, इसीलिए बाकी सब डरते हैं उससे। क्या करें इन कुरैसियों का, सब तरह से समझाया, हाथ पैर जोड़ा, जो हो सकता था सब किया, कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है उन पर। तुम्हारे नाम का वहां बहुत जोर है, तुम्हारे अब्बू की लीजेंडरी सबको पता है। अब तुम बस वापस आ जाओ, वहां मोहल्ले में नीचे वाला मकान खाली पड़ा था, हम सब मिलके खरीदे हैं। अब फिर सुल्तान उस पर कब्जा कर लिए, उसके लौंडे रात दिन वहां जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, लौंडिया उठा के लाते रात को, क्या करें अब? अब कॉलेज जाएं भी तो कैसे, वो रोज वहीं कोने में खड़ा रहता है, हम गली बदल के भी जाएं तो कहीं ना कहीं से आ जाता है, ऐसे देखता है जैसे कभी किसी आदमी ने किसी औरत को नहीं देखा होगा, लगता है जैसे खा जाएगा। धनबाद के किसी युवा नेता का पहलवान है, उसे अगर वासेपुर के अंदर ही मार दो तो कोई दिक्कत नहीं। विधायक जेपी सिंह के पहलवान होंगे, अभी हम लोग कुछ किया तो पुलिस धमक पड़ेगी वासेपुर में। का पहलवान, का हाल चाल है? सरदार जेल तोड़ने के बाद एक साल जो वासेपुर में रहा, उसके शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करके कसाई खाने के कचड़े में फेंका। बावजूद इसके कि कसाई खाने का ठेका कुरैसियों का था और कमर मखदूमी कुरैसियों के आंख के नासूर थे, और वो जो लड़की थी वो भी कुरैसियों की नहीं थी, उसके बावजूद कुरैसी उस वक्त कुछ नहीं बोली और उनका सरदार सुल्तान वो भी चुप रहा। इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी, 80 का दशक शुरू हो गया था और वासेपुर अब धनबाद का हिस्सा हो चुका था, जहां सरदार दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक घर वासेपुर में जहां उसके दुश्मन कुरैसी थे, दूसरा घर धनबाद में जहां उसका दुश्मन रामधीर सिंह था। वासेपुर में रहने का फायदा बस ये था कि पुलिस कभी इस इलाके में नहीं आती थी। खड़ा हो जा। कहा भैया? नया बहाली है का? हाँ? यहाँ का करने आए हो? इस जगह का नाम वासेपुर है, समझ गए? यह तमाशा चल रहा है का? चलो। अरे वो धनबाद में पहलवान का सरदार खान छुरा मार दी से मार्केट में, हमने सुना यही उठा के लाया है। अरे तो जब सरदार खान मार्केट में निकलेगा तो उसको पकड़ लेना, ठीक है ना? ये वासेपुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है, समझ गए? चलो। ए, वो उंगली नहीं छोड़ दे। सबूत है ना, ले। चलो रे, चलो। नमस्ते भैया। कहाँ बे? ठीक है भैया। ये वो खट्टा बनवा रहा था। बन जाए। साइकिल का मटेरियल लेके आए। साइकिल में पाइप नहीं बन पाएगा, साइकिल में पाइप कमजोर होता है और फट के फ्लावर हो जाएगा। फट के फ्लावर हो जाएगा? फट के फ्लावर। कहाँ लाए? ट्रक के स्टेरिंग का पाइप। कितना पाइप लेके आना पड़ेगा? रेंज क्या होता है? दो रेंज आएगा। कितना कितना? एक तो देसी आएगा, तो अच्छा राउंड आएगा। कितना दूरी से मारेंगे तो आदमी को मार लगेगा? 20 फुट। 20 फुट में मार करेगा? एक्यूरेसी।
वासीर बना दिए हो, हर झंझरा जाता है, मारते हैं कसाई माला जाता है कलकत्ता, समझो क्या? ठीक नहीं हमारी आज, बाहर से ऐसी आवाज आई जैसे कुछ बहुत जोर से कुछ धमाका हुआ, तो हम घबरा के उठ के बाहर आए तो इनकी दुकान में देख रहे हैं, यहाँ सामने देख रहे हैं, वहां देख रहे हैं, वहां वहां पीछे उधर, क्या जान नहीं लेनी चाहिए किसी। वासेपुर में वर्चस्व हो रहा था सरदार का, और सरदार वर्चस्व जमाने में इतना मशगूल हो गया था कि वो भूल गया था कि उसकी बीवी नगमा खातून और उसके लौंडे अभी भी जिंदा हैं। बत्ती बुझा दे। रहने दो, हम बुझा देंगे। ए चाचा जा रहे हैं हम। अरे अरे ए चाबी दे। अरे जगह इसको। अरे मगर जा कर रहे हो। अरे सरदार। अरे हाँ, सरदार, सरदार, कौन है? अरे हाँ मैं सरदार। ये कहाँ रहे हो भैया? बहुत तकलीफ में भौजी, काफी दर्द उठा हमने। अच्छा, देखते हैं। तुम ही रुको, हम आते हैं। ठीक है। दुर्गा, हे दुर्गा, कहाँ हुआ? बड़ा दर्द हो रहा है। अरे बाप रे बाप, बस बस, जान मारेगी क्या? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? आ गए ना, पता क्या कर दिया हमको? मुर्गी ठीक करने चले थे, भैंस के सर हम बांध दिया। बंगाल में काहे कोस रही हो हमको? मुझे आपके नगमा खातून के जैसा बच्चा जनने का मशीन नहीं बनना है। अरे तो कौन बना रहा है?